हाय दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी इधर श्री गुप्ता और आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आपके हेयर फॉल की समस्या को लेकर जी हां बालों का झड़ना बहुत ही आम समस्या है और आज बच्चे बूढ़े सभी परेशान हैं समस्या से इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे होम रेमेडी ट्राई करते हैं ये सच है होम रेमेडी से फ़ायदा तो होता है पर उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं शैम्पू ट्राई करते हैं मार्केट में बहुत सारे हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए शैम्पू मिलते हैं लेकिन हमें नहीं पता कौन शैम्पू कितना ज़्यादा वर्क करेगा तो आज मैं आप लोग से शैम्पू पर बात करने वाली हूँ आज मैं आपको भारत के 10 बेस्ट शैंपू बताने वाली हूँ जो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा ये आप इनमें से जो भी शैम्पू है आप उसे ट्राई करो उसके बाद जो भी अनुभव रहा क्योंकि मेरा जो अनुभव है वो शेयर करूंगी जो आपका अनुभव रहा मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में जो शेयर करो तो चलिए दोस्तों आपके टाइम को ज़्यादा ना खराब करके आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों जब बात आती ये हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने की तो हम इंदुलेखा को कैसे भूल सकते हैं इंदुलेखा का, का जो तेल है ना वो काफ़ी फेमस है और अब इंदुलेखा का शैम्पू भी मार्केट में आ चुका है इंदुलेखा भिंगरा हेयर क्लींजर एक आयुर्वेदिक औषधि शैम्पू है जो शुद्ध रूप से प्राकृतिक सामग्री जैसे नीम तुलसी आंवला मेहंदी शिकाकाई से मिलकर बना है ये तत्व जो होते हैं वो हमारे बालों को प्राकृतिक चमक देते हैं और बालों को मजबूती देते हैं और साथ ही जो नए बालों की ग्रोथ में होती है उसमें मदद करते हैं यह शैम्पू बालों के रोम को मज़बूत कर सकता है और वक्त से पहले सफ़ेद होने से भी रोक सकता है यह स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार कर सकता है और बालों के विकास को बढ़ावा दे सकता है साथ ही बालों को पतला होने से रोक सकता है यह आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज भी करता है और बालों को बालों का जो गिरना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है अगर इस शैम्पू के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपको बता दें जो इसकी स्मेल है ना काफ़ी ज़्यादा तीखी है तो हर किसी को पसंद नहीं आएगी इसके अलावा इसको आयुर्वेदिक शैम्पू इसको ट्राई करते हैं ना तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं इसके बाद आपको कंडीशनर जरूर लगाना पड़ेगा और रेंज की बात करो ये लगभग दो सौ का शैम्पू लगभग आपको ढाई सौ यानी दो के आसपास आता है तो आप अपने बजट के हिसाब से इसे ट्राई कर सकते हैं झड़े बालों की समस्या की बात की जाए तो हिमालय का एंटी हेयर फॉल शैम्पू का नाम भी शामिल है यह टू इन वन फार्मूले पर काम करता है यह बालों का झड़ना कम करता है साथ ही दो मुहे बालों की समस्या को कम करके हमारे बालों में चमक लाता है इसमें बूटिया फंडोजा और भृंगराज जैसी जड़ी बूटियाँ भी शामिल हैं जो बालों के फॉलकल्स को स्वस्थ कर बालों के विकास में मदद कर सकती है अगर इस शैम्पू के साइड इफेक्ट की बात करें तो आप जब इसको यूज करोगे तो आपके बाल ड्राई हो सकते हैं ठीक है उपयोग के बाद ना बाल उलझ भी सकते हैं हो सकता है कि इसमें ज़्यादा झाग ना बने ज़्यादा मात्रा में हमें यूज करना पड़ सकता है हो सकता है बालों से जो तेल है वो पूरी तरह से ना निकले और असर करने में ज़्यादा टाइम भी लेता है हिमालय एंटी हेयर फॉल शैम्पू आपको सौ एम लगभग पचहत्तर का मिलेगा तो बजट के हिसाब से ये शैम्पू ठीक है दोस्तों अब मैं जो शैम्पू की बात कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ पर्सनली ये शैम्पू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मैंने लंबे टाइम तक तो इसको यूज किया है दोस्तों बालों का झड़ा कम करने के साथ साथ पार्लर जैसा अगर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आपको ट्रस्ट में हेयर फॉल डिफेंस शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प है हर वॉश के साथ यह शैम्पू बालों को मजबूत और सुलझा हुआ बनाने का दावा करता है यह हमारे क्षतिग्रस्त बालों पर काम करता है और हमारे बालों को स्वस्थ रेशमी और चमकदार बनाता है कैराटी प्रोटीन से भरपूर यह शैम्पू बालों को स्वस्थ बनाने में सहायक हो सकता है इसकी महक बहुत अच्छी है लेकिन अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपको बता दें ये बालों का झड़ने का परमानेंट इलाज नहीं है मैंने बालों का झड़ना रोकने का परमानेंट इलाज नहीं है और जब इसको यूज़ करते हो तो बालों को ड्राई कर सकता है इसके लिए आपको कंडिशनर की ज़रूरत पड़ेगी आपको बता दें ये जो शैम्पू है तीन सौ पचास एम एल आपको पड़ता है दो सौ दो रुपये में तो ये भी आ, अपने बजट के हिसाब से सही शैम्पू है प्याज के तेल के गुड़ों से भरपूर मामा अर्थ अनियन शैम्पू बाल झड़ने की समस्या से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है इसमें मौजूद प्लांट कैराटीन बालों के मॉइस्चर को बनाए रखने और बालों को सॉफ्ट बनाने में सहायक हो सकता है वहीं इसमें मौजूद विटामिन ई स्कैल्प को पोषण प्रदान कर हेयर ग्रोथ में मदद कर सकता है कंपनी के अनुसार यह सिर्फ सामान्य बालों के लिए ही नहीं बल्कि कलर किए बालों के लिए भी असरदार हो सकता है साइड इफेक्ट की बात करें तो यह बालों को फ्रिजी बना सकता है कुछ लोगों को बाल झड़ने की समस्या भी हो सकती है अन्य कंट्रोल शैंपू की तुलना में महंगा लग सकता है ये शैंपू आपको लगभग ढाई सौ एम एल तीन सौ उनचास रुपए का पड़ेगा हेयर फॉल के लिए बेस्ट शैंपू की बात करें तो बायोटिक बायो कैल्प प्रोटीन शैंपू एक अच्छा विकल्प हो सकता है यह शैंपू कई चीजों से जैसे कैल्प प्राकृतिक प्रोटीन पेपरमेंट ऑयल पुदीना की पत्ती का अर्क भृंगज दारू हल्दी और रीठा का शुद्ध मिश्रण है या विटामिन और कई अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है पोषक तत्वों से भरपूर यह शैम्पू बालों से गंदगी साफ़ करने के साथ साथ ठंडक और आराम पहुंचा सकता है इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूं तो आपको बता दूं इसको यूज करने पे आपको ज़्यादा झाक नहीं मिलेगा इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी है बालों को मॉइस्चराइज नहीं करता है आपके बाल रूखे हो सकते हैं दोस्तों इस शैम्पू की रेंज की बात करें तो लगभग तीन सौ चालीस एम एल की बोतल आपको पड़ेगी तीन सौ रुपये की दो सौ निन्यानवे की लेकिन हाँ अगर इसे ऑनलाइन परचेस करते हो तो ये आपको बहुत ही अच्छी छूट के साथ मिलेगा लगभग आपको ये एक सौ अस्सी के रेंज में आपको पड़ेगा आंवला ब्राह्मी एलोवेरा और ऐसी कई जड़ी बूटियों से तैयार किया गया यह किंग स्कैल्प एंड हेयर मेडिसिन एंटी हेयर फॉल शैंपू किंग का तेल पहले से ही मार्केट में उपलब्ध है और अब इनके मेकर्स ने शैंपू का भी निर्माण किया है बालों को मजबूत बनाना हो या बालों का झड़ना कम करना हो यह शैंपू लाभकारी हो सकता है यह एक आयुर्वेदिक शैम्पू है जो स्कैल्प और बालों को जड़ों से पोषण दे सकता है बालों को स्वस्थ बनाना हो बालों को चमक देना हो ठीक है और डैंड्रफ को दूर करना है तो आप इस शैम्पू को यूज कर सकते हो लेकिन आ, इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो ये आपके बालों को ड्राई कर सकता है और जो इसका असर है उसे दिखने में काफ़ी समय लग सकता है इस शैम्पू की रेंज की बात करें तो तीन सौ आपको लगभग दो सौ रुपये एम आर पी पे पड़ता है मार्केट में लेकिन ऑनलाइन लेंगे तो लगभग डेढ़ सौ रुपए का आपको पड़ेगा लव हेयर फॉर रेस्क्यू शैम्पू दोस्तों ये जो शैम्पू है तौर पर बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए तैयार किया गया है यह शैम्पू हर उपयोग के साथ बालों का झरना कम करने के साथ साथ बालों को मजबूत बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है अगर आपके बाल ज़्यादा टूटते हैं क्षतिग्रस्त होते हैं तो आप यह शैम्पू ट्राई कर सकते हैं या बालों के झरने को नाइन्टी तक कम कर देगा ऐसा ये कंपनी दावा करती है या आपके बालों को ड्राई होने से बचा सकता है इतना ही नहीं या शैम्पू न्यूट्रीलॉक एक्टिव से समृद्ध है जो बालों के क्यूटिकल्स को सील कर सकता है और कोमल बालों को मजबूत कर टूटने से बचा सकता है अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो यह शैम्पू दिख इसका जो असर है इसे दिखने में ना काफ़ी समय लग सकता है कुछ लोगों को इसकी जो महक है जो खुशबू है वो काफ़ी तेज़ लग सकती है और यूज़ करते समय आपको ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत पड़ सकती है अगर इस शैम्पू के रेंज की बात करें तो तीन सौ शैम्पू आपको दो तीस रुपये का पड़ेगा दोस्तों ये मार्केट में आपको इससे कम रेंज की बोतल भी मिल जाएगी एंड आप इसके पाउच भी ले सकते हैं वाओ स्किन साइंस के हेयर लॉस कंट्रोल थेरेपी शैंपो की बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दू स्किन wow, में पूरी आप लोग के साथ शेयर किया है है अभी बहुत ही जल्दी ठीक दोस्तों और इस, इसका रिव्यू प्लस डेमो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के लिंक आई बटन पे वीडियो के इंड में होगी आप जरूर इस वीडियो को विजिट करेगा दोस्तों लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाओ स्किन साइंस के हेयर लॉस कंट्रोल थेरेपी शैंपो की दोस्तों अगर हम हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू की बात कर रहे हैं तो हमें वाओ स्किन सेंस के हेयर लॉस कंट्रोल थेरेपी शैम्पू के भी बात करनी चाहिए इस शैम्पू को भेंगराज आंवला शिकाकाई मेहंदी जैसे प्राकृतिक तत्वों से मिलाकर तैयार किया गया है यह एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू है जिसमें बायोटिन रोजमेरी और नियासिन जैसे तत्व भी शामिल हैं इसमें मौजूद आर्गन ऑयल बेजान और उलझे बालों की समस्या को कम कर उन्हें चमकदार बना सकते हैं या स्कैल्प और फॉलिकल्स में पोषण भरकर उन्हें स्वस्थ बना सकता है और बालों को बढ़ने में मदद कर सकता है अगर इस शैम्पू के साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो इसकी खुशबू काफ़ी ज़्यादा तीखी है तेल लगे बालों से तेल निकालने में ये ज़्यादा प्रभावकारी नहीं हो सकता है झाग कम देता है जिस कारण इसे ज़्यादा मात्रा में लगाने की आवश्यकता हो सकती है ये शैम्पू भी बाकी शैम्पू से थोड़ा आपको महंगा पड़ सकता है 300 सौ की आपकी बोतल आपको पड़ेगी लगभग पाँच सौ की इसकी एम है लेकिन ऑनलाइन यह आपको काफ़ी अच्छी छूट के साथ मिल सकता है पैंटीन एडवांस हेयर फॉल सल्यूशन दोस्तों पैंटीन एक बहुत ही जाना माना ब्रांड है पैंटीन का यह शैम्पू आपके बालों को जड़ से सिरे तक मजबूत बना सकता है और उलझे बालों को सुलझा सकता है उलझने से बचा सकता है ये कह सकते हैं और फॉर्मेंटेड चावल के पानी का कॉम्बिनेशन आपके बालों को मजबूत कर सकता है इतना ही नहीं कंपनी का दावा है कि शैंपू के उपयोग से चौदह दिनों में बालों का झड़ना कम हो सकता है ये बालों की ड्राइनेस को दूर कर सकता है बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की बना सकता है बालों को घना कर सकता है बालों को पोषण दे सकता है यह बालों के जो डैमेज है उसको रिपेयर कर सकता है बालों का झड़ना कम और टूटना कम कर सकता है इसकी जो महक है वो काफी ज्यादा मनमोहक है लेकिन शैम्पू के साइड इफेक्ट की बात करा तो आपको बता de ye shampoo na केमिकल युक्त शैम्पू है और आपको बता दें ये शैम्पू आपको लगभग पचहत्तर एम की बोतल लगभग साठ रुपये की पड़ जाती है तो मैं कहूंगी आपको इसकी छोटी बोतल ही ट्राई करनी चाहिए लॉरियल पेरिस फॉर रेसिस्ट्री एक्स एंटी हेयर फॉल शैम्पू दोस्तों लोरियल भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है यह एंटी हेयर फॉल शैम्पू बालों को जड़ों से पोषित कर उन्हें मजबूत और उनके स्ट्रक्चर को में सुधार कर सकता है इस शैम्पू को आर्जीनियन गुड़ मौजूद है जो माइक्रो circulation को बढ़ा सकता है यह शैंपू कलर बालों के लिए भी उपयुक्त तो हो सकता है कंपनी का दावा है कि यह शैंपू बालों के झड़ने को 90 परसेंट तक कम कर सकता है इस शैंपू में मौजूद प्रोटीन फाइबर गहराई तक जाकर बालों को मोटा और मजबूत बना सकते हैं इस शैम्पू के साइड इफेक्ट की बात करें तो दोस्तों ये जो शैम्पू है ये आपके स्कैल्प को चिपचिपा बना सकता है और साथ ही ये केमिकल युक्त है और इसकी लगभग एक सौ की बोतल आपको तीन की पड़ेगी तो दोस्तों ये थे कुछ ब्रांड के शैम्पू एक वीडियो में सारे शैम्पू मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती बट हाँ इसमें जो दावा कर रही हूँ हो सकता है कि ये आप पे इफ़ेक्ट करे और हो सकता है आप पे इफ़ेक्ट भी ना करे क्योंकि हमारी जो बालों की हेल्थ होती है जो बालों के लिए ज़रूरत होती है वो अलग अलग होती है तो आप अपने अनुसार आप शैम्पू ट्राई कर सकते हो दोस्तों और आपको बता दूँ अगर आप ऐसा कोई शैम्पू यूज़ कर चुके हो अगर उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है या आपको फायदा देता है उस वो मुझे कमेंट कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना जो भी आपका अनुभव रहा अगर आप किसी शैंपू के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछेगा मैं नेक्स्ट वीडियो शैम्पू पे आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी और भी कोई मन में सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा और हाँ दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना वीडियो को लाइक इन शेयर करना और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बगल में लगी घंटी बजा दो ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जय हिंद जय भारत